नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों में विस्तार रूप से जाने से पहले नजर डाल लेते हैं मुख्य हेडलाइंस पर। जबलपुर की गढ़ा थाना पुलिस ने दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले जा रहे आईपीएल क्रिकेट मैच पर लगाए जा रहे सट्टे को खेलते हुए एक 18 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक से 2700 की नकदी, सट्टा पट्टी, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ है। बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरगाह बाला पहाड़ी पर एक युवक मोबाइल के जरिए आईपीएल सट्टा खेल रहा है, जिसको पुलिस ने तस्दीक करते हुए मुख्य से अभिषेक नाम के युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को उम्मीद है कि पकड़े गए युवक से कई अन्य खुलासे हो सकते हैं। जबलपुर से वाजिद खान के लिए। आज शाम को थानागढ़ के उप निरीक्षक निलेश पोपे को सूचना मुखबिर से मिली कि एक व्यक्ति लड़का जो है दरगाह की पहाड़ी के पास एक मोबाइल से बात कर रहा है और एक मोबाइल में कुछ देख रहा है, कुछ लिख रहा है। संभवतः वो आईपीएल या कोई सट्टे का काम कर रहा है और इस बात को सूचना पर तस्दीकी हेतु थाने से निलेश कोर पे अपने थाने के स्टाफ सचिन, आरक्षक अश्विनी और चालक राजेश्वर मिश्र के साथ इन्होंने घेराबंदी को गवाहों के साथ में दरगाह के पास पहाड़ी में एक लड़के को पकड़ा, जिसने अपना नाम अभिषेक वासवानी, उम्र 18 वर्ष बताया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने जबलपुर कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपए कलेक्टर को प्रदान की। उन्होंने मांग की है कि इस निधि का उपयोग उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उन परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में किया जाए जो कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। लखन घनघोरिया के अनुसार उनके क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त प्रशासनिक जानकारी के आधार पर बीते वर्ष तकरीबन 12,000 हितग्राहियों को खाद्य सामग्री प्रदान की गई थी, लेकिन इस बार संख्या बढ़ सकती है। लिहाजा वो प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के समर्थन में है, लेकिन इस महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन में गरीब भूखा मर जाए ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए उनके द्वारा एक कदम उठाया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। किस विषय को लेकर कलेक्टर से आज कलेक्टर महोदय को एक आग्रह के साथ हम आवेदन देना चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी की व्यापकता देखते हुए लॉकडाउन हमारी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें उस तबके की भी चिंता करना है जो रोज कमाता खाता है। अब उनके घर का धैर्यता टूटती जा रही है, स्थिति भयावह से भयावह हो गई। हम कोरोना से बचाने के चक्कर से भूख से लोग ना मरे, इसकी भी चिंता करना सरकार की प्रतिबद्धता होना चाहिए। और इसी तारतम्य में हमारा माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार से निवेदन है, हम खैरात नहीं मांग रहे, विधायक निधि से हमारे उस तबके में जो तबका रोज कमाने खाने वाला है और जो खाद्यान्न से वंचित है और जिनका बीपीएल कार्ड नहीं बन पाया और वास्तव में बीपीएल कार्ड की परिधि में आते हैं, ऐसे नाम चिन्हित किए गए थे पिछले लॉकडाउन के समय पे, एक एक घर के हमारी विधानसभा के हर वार्ड से कम एक वार्ड से 200-300 ऐसे नाम चिन्हित किए गए थे। जबलपुर में एक और कोरोना संक्रमण का असर तेजी से फैला हुआ है, तो वहीं ऐसे लोगों का फायदा उठाकर चोर घरों को निशाना बना रही है। बता दें, उखरी के मधुबन कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड फौजी के घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए की सोने चांदी के जेवर नकदी उड़ा दी है। परिजनों ने बताया कि वो बाहर गए हुए थे, घर आकर देखा तो घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। घर के लोगों ने चोरी की वारदात की सूचना नजदीकी थाने में दर्ज कराई है। जी बताएं क्या क्या हुआ। हाँ, पहले नीचे की अलमारी तोड़ी, अलमारी में से 25,000 कैश रखा था मेरा और एक करदन था, पायल थी, चांद सोने का
प्राणवायु ऑक्सीजन लगातार उपलब्ध होती रहे इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में स्टील सिटी बोकारो से 6 टैंकर्स में लिक्विड ऑक्सीजन भरकर मध्य प्रदेश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन देर रात जबलपुर के भेड़ाघाट स्टेशन पहुंचा। आपको बता दें इस ट्रेन के माध्यम से लगभग 64 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजी गई है, जिसमें जबलपुर के लिए एक सागर, मकरोनिया के लिए 3 और भोपाल मंडीदीप के लिए 2 टैंकर भेजे गए। जबलपुर पहुंचे इस प्राणवायु से कोरोना के उन गंभीर मरीजों को लाभ मिलेगा जो जिंदगी और मौत के बीच प्राणवायु का इंतजार कर रही है। जबलपुर से राजस्थान की।